हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस मूवमेंट, रिफ्लेक्स, एम एक्यूरेसी के बारे में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है गेम में, आपको सबको वैसे पता ही है। तो इसको कैसे इम्प्रूव करना है मैं उनको बताऊँगा, अगर जिनको पता है ऑलरेडी तो भाई अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो गाइस मैं उनको बता देता हूँ कि कैसे इम्प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं गाइज मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप मूवमेंट देते कैसे हो। फिलहाल इस टाइम पे आप ऐसे भागते हो सीधा सीधा, तो आप ऐसे भागते हो या फिर ऐसे भागते हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप ऐसे भागते हो तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप ऐसे भागते हो सीधा सीधा, अगर ऐसे भी भागते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वीडियो को लास्ट तक देखने की। तो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। तो आप सोच लो कि यहाँ पे बंदा है इस जगह पे, तो आप लोग यहाँ से आ रहे हो तो आप लोग ऐसे भाग रहे हो। अगर आप ऐसे भाग रहे हो तो आपको एक सेकंड लगेंगे उस बंदे को नोक देते हुए, वो एक सेकंड में आपको नोक देते क्योंकि आप सीधा भाग रहे हो, उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है, उसको बस स्कोप ऑन करना है और आपके स्प्रे दागना है बस। तो मूवमेंट आपको ऐसी रखनी है, ये भी नहीं करना, ये चीज़ बहुत ख़राब है, इससे आप रिफ्लेक्स नहीं दे पाओगे। तो आपको ये चीज़ करनी है, लेफ्ट जॉयस्टिक देख रहे हो मेरी आप कैसे हिल रही है, बस ये चीज़ आपको करनी है। और एकदम से जैसे यहाँ पे बंदा है तो उसके लिए बहुत टफ रहेगा आपको मारना, वो कम से कम आप ये आपको 1.5 से 2 सेकंड तो पक्का देगा, 2 से 3 सेकंड तो वो दे ही देगा। अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब खेलता है तो वो तो आपको मार ही नहीं पाएगा, तब तक आप उसको मार दोगे। तो सबसे पहले आपको मूवमेंट पर ध्यान देना अपनी, मूवमेंट आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सब चीज़ें आप क्लासिक में भी कर सकते हो, इसको बस ऐसे करते रहो, खाली भी भाग रहा है तो ऐसे ऐसे करते रहो, आपको आदत पड़ जाएगी तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स के बारे में। तो मूवमेंट तो मैंने आपको बता दिया, आप इसके साथ वहाँ पे जो बंदा है उसको मारना कैसे है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हो, वो आप पे फायर डालेगा तो उसके लिए टफ होगा, आप ऐसे मूवमेंट दे रहे हो मारा, तो आपको एकदम से अपनी गन निकालनी और एकदम से ऐसे बूम कर देना उसको। उसको उसने तो आपको टाइम दे दिया पर आप उसको टाइम बिल्कुल मत दो, आपको ऐसे ऐसे आ रहा है एकदम से रिफ्लेक्स दिखाओ और बंदा ख़त्म। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, मतलब रिफ्लेक्स दिखाते टाइम आपका साउंड सेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साउंड सेंस होना गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साउंड सेंस के बिना आपको पता नहीं चलेगा फायर किस साइड से है। तो साउंड सेंस होना ज़रूरी है, जैसे आपको साउंड आएगा तो आपको पता चलेगा लेफ्ट से बंदा है तो आप एकदम से उसको मार सकते हो, कुछ भी आपको इशू नहीं रहेगा। तो यही सब बस चीज़ें आपको नोट करनी है, साउंड सेंस, मूवमेंट हो गया, अब रिफ्लेक्स बता दिया आपको मैंने कैसे दिखाने हैं, मतलब एकदम से साउंड सेंस जैसे राइट से शोर आया बस एकदम से ऐसे किया और रिफ्लेक्स दिखा दिए, रिफ्लेक्स दिखा दिए और फिर एकदम से ऐसे लेट गए फिर उठ गए। ये सब बस चीज़ों पे ध्यान देना आपको, अपनी मूवमेंट को फास्ट रखना है, अपने हाथों को मतलब ऐसे रखना, ऐसे लेजी की तरह नहीं गेम खेलनी, ऐसे भागते रहे भाई और एकदम से बंदे ने फायर किया और उसको ऐसे एम कर रहे भाई, ओ भाई तब तक सामने वाला ठोक देगा भाई, अच्छी लोबी में पड़ोगे तो वो ठोक देगा सामने वाला इतने टाइम में। तो आपको मूवमेंट अपनी फास्ट रखनी है, फास्ट रख के एकदम से रिफ्लेक्स दिखाने हैं, जैसे भी कुछ रहता है कहीं भी बंदा रहता है तो उसको दिखाना है। नेक्स्ट बात हम करेंगे गाइस एम के बारे में, मतलब मूवमेंट का तो मैंने आपको बता दिया, ये मूवमेंट हो गई, रिफ्लेक्स हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। तो आप बात रहती एम की, अब यहाँ पे बंदा है खड़ा तो आप यहाँ पे बंदा और आप उसको यहाँ एकदम से ऐसे बाकी रिफ्लेक्स यहाँ पे दिखा रहे हो तो वो तो कोई मैटर नहीं करती चीज़, वहाँ तो आप जीरो, चल वहाँ तो ख़त्म ही हो फिलहाल, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं रिफ्लेक्स दिखाने का, इससे अच्छे ऐसे ही मर जाओ। तो उसके लिए आपको इम्प्रूव करने पड़ेगा। तो आपको एम कैसे अपना इम्प्रूव करना, आपको ऐसे ऐसे भाग रहे हो, जब क्लासिक में भाग रहे हो ऐसे मूवमेंट दे रहे हो एकदम से रिफ्लेक्स दिखाया तो ऐसे दिखा दो। तो ऐसे आपको टारगेट रखना अपना कि मैं यहाँ पे एक सोच लो ट्रेनिंग कर रहे हो, सोच लो कि वहाँ पे एक बंदा है तो आप ऐसे भाग रहे हो उसको, वो एकदम से फायर कर रहे हो तो आप उसको एकदम से कर दिखा के ऐसे मारना है। तो ये जो रेड सा दिख रहा है ना आपको बस इसी पे डालना है, इसी पे डालना है। तो एम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक्यूरेसी गाइस, तो एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है जब आपको मिड रेंज भी स्प्रे करनी हो या फिर रिफ्लेक्सेस दिखाने हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता कि आप इंडेक्स फिंगर से फायर करते हो या फिर थंब से फायर करते हो, किसी किसी का इंडेक्स फिंगर भी बहुत अच्छा फायर देता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है किसी की इंडेक्स फिंगर से भी। मैं भी इंडेक्स से ही फायर करता हूँ मोस्टली, थंब भी यूज़ करता हूँ पर मोस्टली मैं DMR के लिए यूज़ करता हूँ, थंब स्प्रे के लिए मैं इंडेक्स ही यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, ये रही मेरी इंडेक्स फिंगर की फायर और ये रहा मेरा थंब का फायर, मतलब जो थंब के फायर की एक्यूरेसी रहती है ना भाई वो तो एक अलग ही लेवल रहता है, मतलब
साउंड तो वैसे मतलब लेज़र दे देता है ना पूरी की पूरी स्प्रे, आप देख सकते हैं ये पूरा लेज़र देता है। तो इसके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी भी अपनी परफेक्ट करो, अपनी ड्रिल्स वगैरह करो, ये सब चीज़ें करो, ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो आपका एम का क्या फ़ायदा, आपको एम करना है यहाँ पे तो आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगा, ऐसे ऐसे तो मारोगे नहीं। अब रिफ्लेक्स से, रिफ्लेक्स से ऐसे कौन मारता है भाई, सीधा ऐसे ऐसे भाग रहे हो, अगर मिड रेंज आपको रिफ्लेक्स दिखाने तो आपको ऐसे कर कैसे मारना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये चार चीज़ें है जिनको नोट कर लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। We'll be right back.